ये विरोध है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान तोमर को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस कदर है कि यात्रा के दौरान एक कार्यकर्ता तो रथ के नीचे ही लेट गया, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। वहीं इस तस्वीर से पहले खबर तो ये भी सामने आई थी कि इससे पहले बीजेपी के इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में लात घूंसे भी चले थे। हालिया वाक्य भमोड़ी का है, जहां पर कार्यकर्ता रथ के सामने लेट गए। इस दौरान उसे स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रथ के सामने से हटाया। इस दौरान कुछ और कार्यकर्ताओं ने ज्योति डहेरिया नहीं चलेगी के नारे लगाए। बता दें कि बीजेपी के इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं ने दूरी बना ली थी। दरअसल यहां पर पिछले कुछ दिनों से परासिया में ज्योति डहेरिया को टिकट दिए जाने की चर्चा थी। ऐसे में इस चर्चा को लेकर दूसरे गुट के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। इसी के चलते यात्रा के दौरान बवाल मच गया। वहीं आने वाले दिनों में बीजेपी का ये बवाल बवंडर बन सकता है, जिस वजह से विपक्ष को भी हमला बोलने का एक मौका मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।